ने मुझे कहा अरे ऐसे मत बोल कि वो सिर्फ तेरा है उसका बाहर इंटरव्यू मैंने देखा उसके मॉम का कि उसके पिछले शो में भी कुछ लड़कियां उसके पीछे लग गए थे एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे लड़कियों को घर के अंदर लेके आऊंगी तो शी शी उसने मुझे बोला कि मैंने ये देखा है ही इज ऑल्सो एंगेज तो जब भी मेरे मॉम ने बोला हालांकि मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं करना चाहिए इतना रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ मॉम आई वॉज केयड अब आई वॉज केयर कि वो आके मुझे मनाएगा या उसको अभी पता है निक्की को सब पता चल गया है that whatever, rumor that I'm engaged, अभी इसको मैं इग्नोर करूं. तो तभी उसको मैंने थोड़ा शांत किया एंड देन ही सेड कि यू you नो know, मैंने जो भी बाहर मेरा जो भी था यू नो वे तेरे को पता चला है वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है जस्ट फॉर यू और ये एक्सपेक्टेड नहीं था

इंटरव्यू दिया नहीं हम लोगों ने सो आई वॉज वेरी नर्वस बट देन आई जस्ट फील्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज अरबाज अरबाज you यू कॉन्फिडेंट <laughs> मैं तो बहुत ज़्यादा मैं तो वेट ही कर रहा था कि जैसे कि मैंने जितने भी पॉडकास्ट दिए या जितने भी इंटरव्यूज दिए तो मैंने यही बोला है कि निक्की जब बाहर आएगी तो हम लोग साथ में दिखेंगे जल्दी इंटरव्यूज देंगे और निक्की साथ है तो कॉन्फिडेंट तो रहेगा ही hmm. <laughs> आपने कहा भी था कि जब निक्की बाहर आएंगे आपने कुछ खास प्लान कर रखा है hmm. तो मुझे पूछना है कि वो एग्जीक्यूट हुआ क्या था वो <laughs> uh, होगा अभी हुआ नहीं नहीं वॉट इज इट ऐसे बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना आपको पता है नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है आप में क्यूरियोसिटी भी नहीं हो रही है मुझे ये पता ही नहीं था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं

क्या इस बात में आप विश्वास रखते हो कि प्यार दोस्ती है यस yes, डेफिनेटली <coughs> <coughs> और दोस्ती के किस पड़ाव पर आप लोग हो अभी या फिर प्यार के किस पड़ाव पर हो सी आई डोंट नेम ने फ्रेंडशिप एज समथिंग एल्स लाइक आई डोंट नो इफ आई कैन से वी आर सेल फ्रेंड बॉय फ्रेंड टू टूअर रिलेशनशिप और एक्सेट्रा यू नो मुझे किसी भी ऐसा कुछ नाम नहीं देना है So, uh, yes, ये बात सच है कि यू you नो know, दोस्ती प्यार है तो हमारे में पहले दिन से जब से मैंने इनको देखा है वो प्यार वो बटरफ्लाइज वो फीलिंग मेरे, मेरे मेरे पेट में आ ही रही थी एंड आई वॉज क्वाइट एंड डैम श्योर कि मुझे गेम इसी के साथ खेलना है आई डोंट नो वो एक वाइब फर्स्ट डे ही स्टेज पे मैच हो गई थी हमारे रियलिटी शो में जब हमने एक दूसरे को देखा mm -hmm. वो फर्स्ट डे से वो वाइब थी एंड uh, मुझे इसके अगेंस्ट कभी जाना ही नहीं था नो मैटर वॉट लाइक यू नो हमारे में बहुत बहस हुई थी घर के अंदर एंड ही यू नो गटा वो मेरे अगेंस्ट भी खड़े हुए थे बट देन आई थॉट कि अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ अगेंस्ट <laughs> तो इट्स गो न गेट वेरी डोटी सो लेट्स नॉट गो देर निकी जस्ट बी काम क्वाइट एंड ओबियसली आई लाइक हिम एंड यू नो आई रिस्पेक्ट हिम तो मैंने यही सोचा था वो उसको कितने भी मेरे अगेंस्ट जाना है फिर भी आई एम टेकिंग दिस स्टैंड कि आई लाइक हिम एंड आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट समय मे बी लव और यू लाइक वह इम्प्रेशन क्या था इनको देख कर uh, या फिर इनको जानने के बाद पहले तो जब मैं बैक स्टेज था तभी मुझे नहीं पता था कि निक्की आने वाली है शो में और वहाँ पर लाइक मे को जो मेरे ये थे वहाँ पर जो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके लिए हमने एक गॉगल लेके आया चश्मा लेके आप ये पहन के एंट्री करो तो मैं बोला नहीं नहीं मुझे ऐसे ही करना है फिर जैसे मैंने निक्की की आवाज़ सुनी कि मैंने बोला निक्की अब निक्की की आवाज़ हर कोई जानता है तो मैं बोला निक्की है तो वो बोले हाँ तो फिर मैं बोला ठीक है लेके आओ गॉगल पहन के जाता हूँ ताकि मैं भी अच्छे से देखूँ निक्की को और तभी मैं एंट्री किया और वहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे ही ऐसे हो गया कि जैसे मैंने निक्की को देखा निक्की ने स्माइल किया मेरे को देखकर और वहीं से आपने भी देखा होगा अगर शो तो वहीं से स्टेज से ही हम लोग का मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया था और बहुत अच्छी बातें भी की हमने स्टेज पे और एंट्री भी हमने अंदर साथ में ही की थी तो वहीं से ही ऐसा हो गया था कि हाँ यार अभी तो गेम में रहेंगे तो निक्की के साथ ही रहेंगे और निक्की के साथ ही खेलेंगे मज़ा आएगा बट आई गेस एफर्ट्स मेरे तरफ से ज़्यादा थी यू नो बिकॉज नॉर्मली लड़कियाँ बहुत ज्यादा शाई होती है ना अभी आजकल के जनरेशन में पता नहीं बट आई एम पर्सनली वेरी वेरी शाई बट शायद मेरा वो तभी निकलता है जब लड़का या मैं लड़के को पसंद करती हूँ नॉर्मली निक्की तम्बोली अगर देखा जाए तो शी इज वेरी बोल्ड मतलब वो फिर यू नो अबाउट द आउटफिट शी वेर और द स्टेटमेंट शी गि वेरी बोल्ड वैसे hmm. तो शायद मेरे में था है, लेकिन लोगों ने देखा नहीं था तो इसको देखते ही मैं शर्मा की हाय ये क्या हो रहा है मेरे आप अभी भी ब्लश कर रहे हो क्या चीजें हैं जो आपने एक दूसरे के बारे में जानी है घर से बाहर निकलने के बाद बिकॉज घर में रहना एक और बाहर रहना एक साथ उसमें काफी फर्क है यस तो क्या बदलाव कुछ बदलाव दिखे हैं या फिर क्या नया आपने एक दूसरे के बारे में एक्सप्लोर किया है सो so, हम लोग दो महीने एक साथ थे एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम यू नो मैं आई हैव बिन सिंगल सिंस अभी बहुत टाइम हो गया यू नो एंड आई हैव नेवर बीन इन अ लिव इन रिलेशनशिप का या विथ माय बॉयफ्रेंड आई आई नीवर हैड सच थिंग यू नो इन माय लाइफ पास्ट में थे जिसको बहुत टाइम हो गया था और क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड से मैं सिंगल थी सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे इन दैट हाउस विद अ गाय बाकी के लोग भी थे बट ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज अगेंस्ट मी और उनके सामने और यू नो इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड कैमराज मे को एक लड़का मिल जाना और उसके साथ रहना यू नो इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी बट देन इट वॉज ऑल्सो गेम सो बहुत सोच समझ के पैर रखा है बट देन आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ दिस वर्ल्ड कि बाहर लोग क्या कहेंगे बिकॉज आई फील आप अच्छा करो या बुरा करो पीपल विल टॉक बिहाइंड योर बिहाइंड योर बैक तो मुझे ऐसा था मुझे जो करना है लेट मी जस्ट डू इट यू नो आई डोंट नो इफ आई एम गुन विन और लूज बट एटलीस्ट आई एम ग लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स तो वैसा मैंने किया बिग <coughs> बॉस में एंड देन uh, उसका नेचर कैसा था मुझे वो घर के अंदर ही पता चल गया था यू नो हाउ ही इज ऑब्वियसली इज़ वेरी केयरिंग वेरी वेरी सपोर्टिव लाइक वट एवर आई एम डूइंग आउटसाइड ऑल्सो लाइक माई शूट्स ये वो हिज वेरी वेरी सपोर्टिव उसने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है ये नहीं पहनना है बट you know? <laughs> <laughs> <cares for> <laughs> रोक टोक ऐसा कुछ नहीं है जो घर के अंदर भी नहीं था लाइक एवरी वन वॉज लाइक कि निक्की इज वेरी डोमिनेटिंग यू नो बहुत उसका नेचर ऐसा है hmm. और बाहर भी uh, मतलब uh, ऐसे ही कुछ है हम हमारे दोनों के नेचर में चेंज हुआ ही नहीं है लाइक उसका भी मैं मैंने बाहर आके उसका भी नेचर देखा ऐसे कुछ रेस्टिक चेंज क्या वन परसेंट भी चेंज नहीं है hmm. जैसे वो घर के अंदर था केयरिंग सपोर्टिव वैसे ही वो बाहर भी है ऑब्वियसली पॉजिटिव भी वो घर के अंदर था बाहर भी वो वैसा ही है सो दे इज नो चेंज एंड आई एम लाइकिंग एंड आई एम लाइकिंग टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ हिम कि यार एक बंदा घर के अंदर जैसा था वैसा ही मेरे साथ है हालांकि इसको बाहर बहुत लोगों ने बोला था कि तंबोली बाहर आके चेंज हो जाएगी वो तेरा शक्ल भी नहीं देखेगी तुझसे बात नहीं करेगी फ्लिप मारेगी पलट जाएगी एंड दे आर नॉट वेरी गुड नेम्स बट दे आर पॉपुलर पीपल यू नो उसने बहुत लोगों ने इसको फ्रॉम दी इंडस्ट्री ऑफकोर्स कि निक्की ऐसी नहीं है निक्की बाहर आके चेंज हो जाएगी तेरे से बात नहीं करेगी सो so, <coughs> We are still here and you know, जब उन्होंने आपसे ये सारी चीज़ें कही आपने उनको क्या जवाब दिया एक्चुअली uh, जब मैं बाहर आया ना तो निक्की uh, आप देख ही रहे थे जितने mm -hmm. भी स्पॉटिंग हो रहा था या जितना भी मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे तो मैं सब जगह पे निक्की को सपोर्ट करो निक्क्की को वोट करो तो लाइक like, लोग बोलने लगे कि भाई निक्की बहुत स्ट्रॉन्ग है वो मैंटली भी बहुत स्ट्रांग है वो गेम के लिए गेम खेलती है इससे पहले भी उसने शो में गेम mm. के लिए बहुत कुछ किया है आप उसके बारे में जानते हो क्या उसका पास्ट क्या रहा है क्या उसकी चीज़ें रही है तो मैंने बोला मुझे जानना नहीं है कि पास्ट क्या रहा है और क्या था मैं जो दो महीने उसके साथ बिता के आया वो दो महीने में मेरे साथ कैसी थी और बाहर आने के बाद मेरे साथ कैसी रहेगी मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है तो लोगों ने बोले कि वो चेंज हो जाएगी आपको लाइक वो सिर्फ गेम के लिए करती है जो भी करती है मैं बोला ठीक है अगर वो गेम के लिए भी करी तो उसकी आँखें तो झूठ नहीं बोल सकती और दो महीने में जितना करीब से मैंने उसको देखा है तो वो वैसी तो नहीं है और निक्की के भी काफ़ी सारे लोगों ने भी यही बोला कि निक्की में बहुत चेंजेस है पहले निक्क्की ऐसे नहीं थी तो मैंने बोला हाँ निक्की तो ऐसे नहीं थी निक्की बहुत चेंज हुई है और उस चीज़ों पे मैंने यकीन नहीं किया मुझे पता था कि निक्की का और मेरा रिलेशन क्या है हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं और कितना हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है तो मुझे उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि वो आने के बाद क्या होने वाली है चीज़ें और जो भी हो रही है वो आप लोगों के सामने ही है बिल्कुल लेकिन एक चीज कही अभी की आई थिंक ही डेफिनेटली लव्स मी सो आई वांट यू वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द आंसर क्या लगता है आप लोगों को देख के हाँ, देखो मैं तो, तो बहुत कुछ <laughs> सोचते हैं लेकिन आपके दिल में क्या है वो आप ही बता सकते हो मैंने जैसे अभी बोला ना कि आपकी लाइक बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ डिपेंड कर सकते हो लेकिन आपके आंखें झूठ नहीं बोलती है तो So you can jawab. just say you, so we can just say that <laughs> we won't accept and we won't deny that we love each other. Okay. But <laughs> mein aise anxious nahi karta hai. me pata hai na wo? <laughs> <laughs> kya hai, kya hai. It's just for you guys. Now you think. <laughs> <laughs> yeah. But it would be lovely if uh, you guys <clears throat> made it official. <laughs> <laughs> you know I see what you know what? ऑफिशियल क्या आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऑफिशियल करना या ना करना व्हाट इज़ द इसका मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग अगर हम साथ में खुश है एंड यू नो आर फैंस आर सपोर्टिंग आर फैमिली इज सपोर्टिंग आर फ्रेंड्स आर सपोर्टिंग देन ऑफिशियल करना मतलब इट्स जस्ट सेंटेंस और अ वर्ड ये ऑफिशियल कर दो बट देर इज नथिंग लाइक दैट हम लोग वैसे सोचते नहीं है यू नो वी आर हैप्पी लाइक बड़े बो फ्रेंड्स है जो भी है हम खुश हैं एक दूसरे के साथ वी आर वेरी वेरी हैप्पी जेन्यू वी ऑल नो कि आप लोगों का रिलेशनशिप इजी नहीं रहा है बहुत no उतार no, चढ़ाव yes. देखे हैं और अक्सर ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि लड़कियों को पहले टारगेट किया जाता है hmm. उनसे उनसे बहुत चीजें एक्सपेक्ट करते हैं हम okay. तो जब आपकी मम्मी घर पर आए थे उन्होंने हाँ. बताया इनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के हुँ. बारे में एंड एंड देन यू वर शॉक येट जब वो फिनाले के वक्त इन्होंने री एंट्री की yes. आपने वो वो रील भी बहुत वायरल हो रही yes. है <laughs> जहां आप उनको बोलते हो तुला मी हवे मला oh, तू हवे uh, uh, बाकी का वो डिसीशन लेना स्पेशली व्हेन योर मदर हैज सेड, तो उस माइंड फ्रेम में उस वक्त आपके दिमाग में क्या था वो यू थिंकिंग अबाउट थिंग्स? सो आई टेल यू ऑनेस्टली माई ऑल द इमोशंस इन साइड द हाउस सो रियल मतलब ये जो इमोशंस थे ये मैंने कभी बाहर बाहर के जिंदगी में भी फील नहीं किए थे कि वट इज लव और मे बी ये ये ये, ये क्या होते हैं मैंने कभी फील नहीं किया था तो घर के अंदर क्या हुआ था जिस दिन ये गया था उस दिन मुझे ऐसे फील हुआ था जिस जैसे मेरा भाई मुझे छोड़ के गया था ना वो फीलिंग कैसा था वो वैसी फीलिंग हो गई थी क्योंकि दो महीने लाइक ट्वेंटी फोर सेवन यू आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर्स आइज अगर आप अगेंस्ट भी खेल रहे हो फिर भी आप एक दूसरे के, के सामने हो यू नो वी लाइक एवरी हम लोग खाना पीना सब कुछ साथ में करते थे ऑब्वियसली एक्सेप्ट टिंग शावर्स <laughs> वो अलग है बट लाइक यू नो वी वर सो क्लोज और इतना क्लोज ओबियसली मेरे सिर्फ गर्लफ्रेंड्स जो है वो है लड़का मेरे इतने क्लोज अभी तक कोई बना नहीं है इवन इन बिग बॉस फोर्टीन मेरा इतना क्लोज कोई नहीं था ओब्वियसली वो लड़कों के नाम जुड़े गए थे बट दे वर नाट क्लोज क्लोज ही वॉज लिटरली वेरी क्लोज एंड मैंने ही इसे पसंद किया था तो मैंने भी उसको अपने में यू you नो know, hmm. कर लिया कि या आई लाइक हिम आई वॉन्ट आई नीड हिम नॉट ओनली फॉर द गेम बट बाहर की दुनिया अटैचमेंट हाँ. भी हो गया था बहुत कुछ हो गया था नॉट ओनली अटैचमेंट वॉज मिक्सर्स ऑफ इमोशंस यू नो तो जब ये बाहर गया तब तो मतलब मेरे को सी गेम कैसे खेलना है वो मुझे पता था क्योंकि डे वन से मैं अपने पैर पर पे खड़ी थी hmm. ज से दिस की ग्रुप जो ए ग्रुप बना था वो मेरी वजह से बना था यू नो असो एनी वे बट या जिस दिन वो घर के बाहर गया आई हैड नो आइडिया कि मैं बात किससे करूं, मैं किससे क्या करूं, बिकॉज नाव मुझे पता था कि यार ये जो लायनेस है लोगों को लगेगा मतलब घर के सदस्यों को लगेगा कि ये जख्मी हो गई है इंजर्ड वी कैन अटैक हर द मोमेंट ही लेफ्ट दूसरे दिन वही हुआ सबने मुझ पर अटैक किया बट देन ऑब्वियसली अ अलस इज अ अनेस एंड आई न्यू इट की हाउ टू अटैक गिव इट बैक तो वो मैंने किया बट एवरी सेकेंड फिर वो खाना खाने वक्त हो या नहाते नहाने के टाइम हो या स्लीपिंग या डूइंग वाइल डूइंग टास्क ऑल्स ये मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था आई वॉज गेटिंग मैड कि वेर इज़ ही यू नो आई कंप्लेंड मैंने क्या क्या नहीं बोला बिग बॉस को कि आपने हमको मिलाया क्यों जब जुदा करना था तो व है वाई क्योंकि कभी हुआ नहीं था एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू रिएक्ट एंड यू नो द चाइल्ड इनसाइड यू शुड नेवर डाई और मैंने वही लोगों को बताया कि यार भले आई एम ट्वेंटी नाइन ईयर्स ओल्ड आई एम मच मोर मैच्योर इनफ बट द चाइल्ड जो मेरे अंदर है दैट आई एम गोन अ शो कि मैं रोती भी बहुत हूँ मैं सैड भी होती हूँ मेरा भी दिल दुखता है यू you नो know, मुझे भी हॉट होता है तो मैंने बिग बॉस को ब्लेम किया कि यू नो दिस इज़ वेरी अनफेयर आई आई थिंक यू नो ही शुड नाट गो एंड आई डोंट नो बट देर वॉज नो रिस्पॉन्ड फ्राम हिम ऑबियसली ही ट्राई टू एंकरेज मीन उन्होंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस लाए जहाँ पर मेरा माइंड फ्रेश हो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे और अभिजीत का हमारा कनेक्शन यू नो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की वो ए डेड यू नो बट उससे कुछ नहीं हो रहा था ना मुझे अरबास चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था आई वॉज मिसिंग हिम लाइक हेल्प मेरा टास्क मुझे आज भी याद है हमारा टास्क जो होता था ना इट वॉज यू इट यूज़ टू बी वेरी फिजिकल और वो फिजिकल टास्क में मैं किसी लड़की से लड़ाई कर रही हूँ और उसमें भी मेरे दिमाग में अरबाज है सो आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है निककी तरह साथ आई एम नॉट फाइन फिर तुरंत दो तीन दिन में मेरे फैमिली आ गई तो क्या हुआ मेरी जैसे ही फैमिली अंदर आई मॉम उसने अरबाज का टॉपिक निकाला नहीं बट शी सॉ कि मैंने बेड के बाजू में ना एक ऐसा फील के लिए कि अरबाज सोया है वो पिलोज रखे थे तो शी सॉ एंड शी सेड कि ये अरबाज ऑफ दैट मैंने कहा हाँ हाँ तो क्या हुआ हम लोग सब लोग सारे कंटेस्टेंट्स बैठे थे तो कुछ गॉसिप निकला तो वहाँ पे मैंने कहा छोड़ो ना उसके जाने दो वो तो मेरा ही है सिर्फ तो तभी मॉम स्टॉप में अरे मॉम को शायद से याद नहीं होगा या फिर बाहर की बातें बताना अलाउड नहीं होगा बट तभी मॉम ने मुझे कहा अरे ऐसे मत बोल कि वो सिर्फ तेरा है उसका बाहर इंटरव्यू मैंने देखा उसके मॉम का वैश इज़ सेंग कि उसके पिछले शो में भी कुछ लड़कियाँ उसके पीछे लग गए थे एंड uh, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे लड़कियों को घर के अंदर लेके आऊँगी तो शी शि उसने मुझे बोला कि मैंने ये देखा है ही इज़ ऑल्सो एंगेज तो जब भी मेरे मोम ने बोला हालांकि मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं करना चाहिए इतना रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ मॉम बिकॉज मॉम तो चली जाएगी तो अगर मैं यहाँ पे मैंने डाउन किया तो मॉम अपने आप को बाहर कैसे संभाल पाएगी आई डोंट नो तो मैंने रिएक्ट नहीं किया बट आई वॉज़

और यू नो वॉट आई स्टार्टेड वेटिंग कि मुझे अभी तो अरबास चाहिए मैं ऐसे बोल रही थी कि आई डोंट वॉन्ट हिम या मुझे वो चाहिए ही नहीं घर के अंदर बट एट द एंड डीप डाउन यू यूट आई वॉन्टेड हिम सो बैडली सो सो बैडली कि मैं रोज रेडी होती थी ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि अभी वो आएगा अभी वो आएगा यू you नो know, मैं रोज रेडी होती थी और मैं देखती थी आज ये पहनूँ क्या नहीं है अरबास को अच्छा नहीं लगेगा ये पहनूँ क्या आई वॉज गेटिंग मैड कि यार ये अभी आएगा एंड आई वॉज केयर्ड अब आई वॉज के वो आके मुझे मनाएगा या उसको अभी पता है निक्की को सब पता चल गया है इग्नोर करूँ तो आई वॉज आई एम श्योर कि अगर वो मुझे इग्नोर करता है तो फिर मैं तो उसकी क्वीन ही हूँ फिर इग्नोर करने की <laughs> डीप डाउन आई है फीलिंग कि यह मुझे बट मुझे लगा कि ये पता नहीं गर्लफ्रेंड के पास चला गया है या पता नहीं क्या है क्या नहीं है आई डों आया उस दिन तो मतलब मेरा भी बी पी बहुत हाई था आई वॉज जस्ट नॉट शोइंग बट जिस दिन वो आया आने से थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने बताया था कि वो दस दिन से उसने किसी कंटेस्टेंट ने मुझे बोला कि उसने दस दिन खाना नहीं खाया है एंड ही वॉज क्राइंग इन दैनिटी एंड He he just said he just said said don't worry or something something I'm coming something, aise I went again mad twist तो <laughs> twist तो ये, ये <laughs> हाँ, खाना नहीं खाया मतलब मतलब मुझे वेट तो मैं कर रही थी कि मुझे खुशी हुई कि अच्छा वो भी वेट कर रहा है मतलब ये सच में म्यूचुअल है दोनों तरफ से यू you नो know? और फिर बस एंड देन आई वॉज़ वेटिंग वेटिंग आई वॉज केयर्ड एक्चुअली यू नो तो मैं सूरज के पीछे छुपी थी कि मैं क्या कौन आएगा यू you नो know? मैं क्या रिएक्ट करूँ और मैं छुपी तो ये भागता हुआ आया तूफान की तरह आया और इसने मुझे उठाया और ये फिर मुझे अंदर लेके मैं छोड़ ही नहीं रहा था मैंने कहा हुआ क्या वो तो बता उसकी आंखों में पानी थे आंखें लाल हो चुकी थी उसकी सांसें लाइक like, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अराउंड 180, 190 हो जाता है उसका बीपी तो इतना हैवी ब्रीद कर रहा था वो एंड आई वाज लेकिन हुआ क्या हुआ क्या बता तो तभी उसको मैंने थोड़ा शांत किया एंड देन ही सेड की यू नो मैंने जो भी बाहर मेरा जो भी था यू नो वे तेरे को पता चला है वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है जस्ट फॉर यू और ये एक्सपेक्टेड नहीं था वहाँ पे आई वॉज लाइक शेट ना आई ना अगर ये बोल रहा है तो यू नो आई कॉन्ट जस्ट यू नो बिकॉज सी हमारे सीजन में क्या था एक मराठी ये था कि मन भावना को दुखाना नहीं है मतलब ऑडियंस के दिल दुखाने नहीं है यू you नो know? भावना को तो फिर मैंने यार आज टूडे फ्यू फैंस दे आर नॉट सपोर्टिंग अस फिर मैं yeah. ये कह रही हूँ मुझे लोग बोलते थे कि मैं लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हूँ फिर अगर मैं किसी लड़के को एक्सेप्ट कर रही हूँ जो भी उसने किया है पास्ट में वो उसने छोड़ दिया है या फिर यू नो सी लाइफ में तुम्हें प्यार कभी भी कौन से भी पड़ाव पे हो सकता है और सी ये बात सच है कि कितने भी बार नहीं होना चाहिए दैट इज ट्रू बट हो सकता है ना कभी भी हो सकता है और अगर आपको रियलाइज होता है कि मुझे ये जो है ये प्यार है यू नो एंड और उसके वजह से आपके वजह से मैंने मेरा पास जो भी था वो मैंने छोड़ दिया yeah. तो दैट्स हाउ आई आई वाज लाइक यार नो इफ आई एम फीलिंग समथिंग फॉर समवन आई विल एक्सेप्ट हिम इफ ही सेइंग समथिंग मे बी वो और उसके आंखों में वो सच्चापन दिख रहा था कि ही इज नॉट लाइंग तो फिर आई जस्ट से आई उडन कंट्रोल यार की यू नो आई सेड की तुझे क्या चाहिए मुझे तू चाहिए आई वन कंट्रोल एंड दैट शो इज़ अ रियलिटी शो यू हैव टू बी रियल अगर मैं कंट्रोल करके बोलती तू जा मुझे तू नहीं चाहिए ऑल दैट बुल्स इट जस्ट फॉर कॉन्टेंट मुझे लगता है दैट मैं फिर वो नहीं होती जो मैं हूँ मैंने वो शो में पहले दिन से वही किया जो मैं हूँ तो तो फिर ही जस्ट केम एंड यू नो जिस जस्ट टुगेदर <laughs> you know, जब आप बात कर रहे थे पूरा टाइम उसमें वो पैशन नजर आ रहा था दैशन दैट यू है और लड़की जब प्यार में होती है समझ आ जाता है इट्स नॉट जस्ट दर्सनैलिटी बट आरबिट्स ऑल्सो आपने जस्ट कहा कि प्यार में है या नहीं पता नहीं बट अगर वो प्यार में नहीं होते तो अपना फास्ट खत्म थोड़ी ना करते आपके लिए दू गो <laughs> या अरबास बताओ आप वॉट डू यू लव सो मच अबाउट हर एंड शी इज ब्यूटिफुल शीज अ वेरी सेंसिटिव हार्ट शी इज स्वीट प्योर सोल वी हैव सीन हर पहले भी बिग बॉस में हमने देखा अभी भी देखा शी इज रियल आई थिंक शी इज मिसअंडरस्टुड अ लॉट बाई पीपल एंड आई थिंक आपने वो देखा उसमें सो वॉट इज इट दैट यू लव अबाउट हर सो मच हाँ देखो जितना भी मतलब लोगों ने देखा है कि वो <coughs> लोग बोलते थे कि वो कुछ भी बोलती है जो मुँह में आएगा वो बोलती है या जो भी चीज़ें है करती है तो मैं तो यही सोचता हूँ कि हर लड़की में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो वो आप डायरेक्ट मुँह पे बोलो और जो लैंग्वेज में आपको बोलना पसंद है वो लैंग्वेज में आप बोलो जैसे बोलना पसंद है आप वैसे बोलो बट इसका जो इमोशन साइड है वो मैंने देखा है इसकी केयरिंग मैंने देखी अगर वो आप के लिए दुश्मन भी है आपके अगेंस्ट गेम भी खेल रही बट आपको छोटी सी भी चोट लग जाएगी ना तो सबसे पहले यही बात के आएगी चाहे वो बाहर की दुनिया में हो या किधर भी आप उसको एक कॉल करो आधी रात में करो कभी भी करो कि मैं प्रॉब्लम में हूँ या मुझे लग गया या चोट लग गई तो सबसे पहले केयर वही दिखाएगी तो उसके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं वो एग्रेशन भी है और वो होना भी चाहिए हर किसी में होना चाहिए तो मैंने जब चीज़ें अंदर देखी है तो सब लोगों ने एक दूसरा पार्ट देखा है निक्की का कि वो गेम की। अगर सोचो निक्की नहीं होती तो शायद वो सब चीज़ें देखने भी नहीं मिलती और लोगों को मज़ा भी नहीं आता शो में तो वो सब चीज़ें भी दिखी है और दूसरी चीज़ जो कैरिंग है देखो एक घंटे के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकते और एक व्यक्ति अगर उसकी पर्सनालिटी बाहर ऐसे दिख के आ रही है वो एग्रेशन एंड ऑल तो डायरेक्ट दूसरी चीज़ दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे यार ये डबल पर्सनालिटी में समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो वैसे ही आपको एक घंटे में एडिट में आपको दिखता है चीज़ें दिखती है बट जो रियल साइड है निकी का जो हम 24 घंटे देख रहे हैं हम साथ में रह के फील कर रहे चीज़ें तो वो मैंने देखी है तभी हम दोनों एक दूसरे से इतने अटैच हो गए थे चीज़ें हमारी जुड़ गई थी और क्या होता है ना निक्क्की जल्दी किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें या अपनी इमोशन साइड नहीं दिखाती है क्योंकि उसको ऐसे अगर उसको चोट भी लगेगी ना तो अंदर आके मेरे को दिखाई कि देख मेरे को यहाँ लगा है बट मैं तेको बता रही हूँ बट किसी को बताना मत कि यहाँ लगा नहीं तो लोग आके यहीं पे तकलीफ देंगे तो वो चीज़ है उसके अंदर कि वो जल्दी किसी को कुछ चीज़ें शेयर नहीं करती जो क्लोज़ है जो पर्सनल लोग हैं बस उनसे ही वो भी बहुत खास लोगों से तो वैसा उसका नेचर है और वैसा रहना भी चाहिए लोगों में तो आजकल सब फ़ायदा उठा लेते हैं जहाँ तकलीफ़ होती है वहीं तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं लोग तो वो सब चीज़ें मैंने देखी है अंदर और वो जितनी स्ट्रांग रहती थी जितनी स्ट्रांग है देखो हर कोई कंटिन्यूसली दो तीन महीने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है कहीं ना कहीं वो वीक भी होता है कहीं ना कहीं चीज़ें भी होती है तो हर इंसान इंसान को चीज़ें होती है तो वो सब चीज़ें मैंने देखी है वो सब तकलीफ़ें जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे वो सब और शायद बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी का झगड़ा भी हुआ होगा तो हम दोनों का ही हुआ है क्योंकि एक हम अलग ही फ़ाइट होती थी तूतू मेमे वाली हमारी हर जगह पे होती थी हम लोगों की फ़ाइट उसमें और क्या होता पता है कि जब आपके झगड़े होते फिर आप मिलते हो झगड़े होते मिलते हो तो इसमें और स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका बॉन्ड तो हम लोग का वो बंधन वाला आपने टास्क देखा होगा उसके बाद हम दोनों एक हफ्ता दूर थे हम नजरें भी नहीं मिला रहे थे एक दूसरे से अगर हम बात भी करते थे तो मैं इसको देखता था ये आई कॉन्टैक्ट जल्दी से होता नहीं था हम लोग का तो उसमें फ़ील हुआ कि नहीं यार नहीं रह सकते हम लोग एक दूसरे के बिना और हमको रहना ही पड़ेगा साथ में और हमने रहे हम लोग रहे भी अंदर आपने देखा होगा उसके बाद हम बहुत क्लोज थे और बहुत सारी चीज़ें हमने की भी है तो वो जो था वो जो चीज़ें है शो में निक्की जैसी है वैसी है मैं तो बोलता हूँ कि शायद निक्की ने वहाँ पे बहुत कंट्रोल भी किया है

आई नो आई हैव डन पास्ट बिग बॉस और मुझे पता है कि लोगों की असलियत कैसी मतलब लोगों के अंदर बेसिकली बिग बॉस में जो लोग आते हैं ना वो ऑलरेडी एक कुछ लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं mm. कि यार हमको पर्दे पे देखा गया है हमारा सुंदर रूप हमारी एक्टिंग हम हमारे फैंस हमारे कैरेक्टर के वजह से है हमने जो कैरेक्टर प्ले किया है ऑन स्क्रीन उसको हमें पसंद किया गया है और फैंस उसके वजह से हमारे बने हैं बट जो रियल पर्सनली पर्सनैलिटी होती है ना वो किसी किसी की होती है बहुत चिड़चिड़ -चिड़ होती hmm. है किसी किसी क्या कहते हैं फंसी होती है यू नो ऑल ऑफ़ दैट यू नो तो लोगों को बहुत डर लगता है कि हम हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी दिखाए या नहीं दिखाए अब hmm. आ तो गए हैं बिग बॉस में अब ओरिजिनल पर्सनैलिटी कैसे दिखाए बट मुझे यार मैं इंसान को ऐसे परख लेती हूँ कि कौन कैसा है कौन कितना सीधा है कौन कैसा है यू नो टेढ़ा है सो so, मैंने बहुत कोशिश की लोगों की ये बाहर निकालने की बट कभी hmm. ना कभी यार वो मेरे मुझे ही बैकफायर हुआ कि यू नो उनका पर्सनैलिटी बाहर निकालते निकालते मेरे कुछ बुरे चीज़ें लाइक यू नो मे बी द लैंग्वेज और वे वो नो वो बाहर आ गया था बट एट द एंड सबका पर्सनैलिटी बाहर आया था आप बिग बॉस के शो में सबको रियल पर्सनालिटी ही देखना पसंद शो ही है शो ही पर्सनालिटी के एग्जैक्टली बट exactly. लोग नहीं दिखाते हैं यस और काफी सालों से लोग काम करते हैं ना इंडस्ट्री में तो वो वैसे और फिर वो टैग लग जाता, जाता है ना यार कि यू नो कि हमारा एज ज्यादा है हम सीनियर आर्टिस्ट हैं हमसे तमीज से रहिए ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट यू गाइस बट ये एक शो ही ऐसा है अगर आप जा रहे हो तो हमें भी जाना पड़ेगा फॉर hmm. एग्जाम्पल पे नहीं बैठोगे तो फिर हम आपको उतना ही डिले करेंगे खाना और पानी छोड़ने में पानी भी नहीं था hmm. खाना भी नहीं था एंड वन ऑफ द कंटेस्टेंट शी वॉज अपलाइंग लिपस्टिक सो वी आर ट्राइंग टू कॉल हर प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम शी ट्राइड टू यू नो क्रिएट अ क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट द कि आई एम नॉट कमिंग लेट मी टेक माई टाइम यू गाइज आर रेडी आई वॉन्ट टू अप्लाई मेकअप एंड यू नो लिपस्टिक एन यू नो आईब्रो पेंसिल शी वॉज डूइंग दैट आईब्रो में बाहर आके मैंने वो एपिसोड देखा सो आई वॉज लाइक कि आर यू कान डू दैट एंड इफ शी इज डूंगट हम मुझे पता है बिग बॉस कोई भी सजा दे सकते हैं हाँ. सो so, फिर यार अगर कोई इंसान टेढ़ा जा रहा है तो हमें भी टेढ़ा जाना ही पड़ेगा बट मेरा टेढ़ा टेढ़ा लगता है लोगों को क्योंकि सामने वाला इज अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट एंड वेरी पॉपुलर नेम सो यू कैट जस्ट ब्लेमर एंड यू कैन ब्लेम बिकॉज आई एम अर्गेट बिकॉज द रियालिटी आप लोगों की फैमिली आपके इक्वेशन के बारे में uh, क्या वट आर देर ओपिनियन

अच्छा किया है आप लोगों ने अभी बाहर आ गए हो वॉ यू गाइज हैव जस्ट एंजॉय एंड काम करो साथ में अलग भी काम करो साथ में काम करो ऑन गुड अमाउंट ऑफ मनी जस्ट सिक्योर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस दैट्स और बस आपकी फैमिली ने ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा बिकॉज mm. इनके लिए इट्स अ न्यू रिलेशनशिप आपके लिए यू हैड टू ब्रेक योर ओल्ड टाइज एंड एंटर दिस तो आपकी फैमिली ने आप कितना साथ दिया है सबसे पहले तो ये था कि मेरी फैमिली ने कभी ये सब चीज़ें देखी ही नहीं है और इंडस्ट्री मेरी फैमिली को पता ही नहीं है अच्छा। कि इंडस्ट्री में कैसी चीज़ें होती है क्या होता है जो भी होता है न्यू नहीं है उनके लिए सब चीज़ें और मुझे भी अभी शायद एक साल ही हुआ है या आठ नौ महीने ही हुए हैं मुझे कि मैं इंडस्ट्री में काम किया एक शो किया मैंने इससे पहले एन के लिए और एक दूसरा शो ये था तो ये शो में मेरे लोग मेरी फैमिली को ऐसे पता नहीं था कि क्या मीडिया करती है कैसे लोग चीज़ें निकालते हैं कैसे लोग बातें करते हैं तो मैं भूल के भी गया था फैमिली को कि आप लोग मीडिया में मत आना है ऐसे सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होगी और बट उन्होंने सब चीज़ें कभी देखी नहीं है तो hmm. वो एक होता है ना फैमिली को मॉम डैड को एक केयरिंग uh, होती है सारी चीज़ें होती है कि बाहर गलत दिख रहा है गलत चीज़ें आ रही है तो हम थोड़ा उस चीज़ को क्लियर करने hmm. के लिए हम बैठ जाए लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया वाले क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो समझ में नहीं आता न्यू न्यू है कभी कैमरे के सामने को भी कुछ किया नहीं है तो बाहर जैसी चीज़ें चल रही थी कि कंटिन्यूसली ऐसे ही दिख रहा था कि मैं सिर्फ निक्की 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 कर रहा हूँ और निक्कि के लिए ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो लोग उनको आके बोलने लगे कि इस तो खुद भी गेम अच्छा खेलता है तो फिर निक्क्की के साथ क्यों ये सब चीज़ें तो उनको ऐसे लग लगने लग गया था कि हाँ हा, लोग इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि अरबाज़ का गेम ख़राब हो रहा है सारी चीज़ें हो रही है तो उन्होंने स्टार्टिंग में जितना बाहर दिखा उतने उस पर रिएक्शन दिया उतने उस पर चीज़ें की जैसे मैं बाहर आया बाहर आने के बाद लाइक कॉल किया कि कैसे खेला मैं तो लाइक पापा शेर जैसे खेला है तू अच्छा खेला है बिना डरे किसी से तूने सारे टास्क अच्छे परफॉर्म किए और अच्छा गेम खेला है तूने और उसके बाद लाइक के बस थोड़ा ऐसा हो जाता तो थोड़ा अलग खेलता इंडिविजुअल खेलता तो ऐसी चीज़ हो जाती तो मैंने डैड को बताया कि पप्पा कि मैंने जो भी चीज़ें किया है मेरे को इमोशनली कोई ना कोई चाहिए देखो दुनिया में भी आपको ऐसा कोई ना कोई चाहिए जब आप टूट जाते हो ख़त्म हो जाते हो तो आप उसका हाथ आपके सर पे चाहिए या आपकी पीठ पे चाहिए तो वो माँ बाप ही है दुनिया में क्योंकि वो ही अच्छा बुरा समझते हैं और बुरा भी अगर किया आपने तो भी वो अच्छा ही बोलते तो वैसा मेरे लिए निक्की थी घर में क्योंकि एक छोटे बच्चे जैसा संभाला है इसने मेरे को सच में घर में जब जब मेरे को एग्रेशन मेरा आपने देखा कि जब जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था कोई भी मेरे पास नहीं आता था निक्की के अलावा निक्की ही मेरे पास आती थी और निक्क् ही मेरे को समझाती थी सारी चीज़ें निक्क् ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें अंदर की है अगर निक्की नहीं होती तो शायद मेरा इमोशन साइड भी बाहर नहीं आता मेरा एग्रेशन बाहर नहीं आता मेरा पॉजिटिवनेस बाहर लोगों को दिखता नहीं तो मैंने जितना भी दिखा है तो ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ दबा के रखा अपने अंदर मैंने पूरा खोल दिया था अपने आप को चाहे वो प्यार हो चाहे वो केयर हो चाहे जलेसी हो चाहे एग्रेशन हो या जितनी भी चीज़ें टूटा हो जुड़ा हो तो सब कुछ वो निकी और हमने एक चीज़ें दिखाई है जो कि रियल लाइफ में भी लोग एक अपने पार्टनर के लिए जितना भी चीज़ें करते हैं हर कोई हो चाहे

खाना बनाना है डॉल सारी चीज़ें तो मैंने डैड को बताया कि उसने मेरी बहुत केयर की है मेरे को बहुत संभाला है उसने वो जो चीज़ें आपको नहीं दिखी है नहीं। वो एक अलग बात है तो फिर डैड मेरे को बोलने लग गए मॉम डैड के अगर ऐसी चीज़ें है और हमको नहीं दिखी और शायद नहीं भी दिखती है चौबीस घंटे के अंदर तो फिर तूने बहुत अच्छा किया अच्छा। कि एक लड़की के लिए तू खड़ा रहा खेला उसने तेरे लिए कुछ किया तो तूने उसके लिए किया मैम मैंने वही बोला कि पूरा घर हमारे अगेंस्ट था और हम दोनों एक दूसरे के साथ थे आपने देखा होगा बंधन के टाइम पे पूरा घर मेरे साथ था निक्की के अगेंस्ट था और जैसे भाव के धक्के पे बोला गया कि अरबाज ने आपके साथ ऐसा, ऐसा किया तो पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया मुझे अकेला कर दिया गया तब निक्की ने मुझे देखा कि अकेला है तो वो मेरे को पसंद नहीं है सब चीज़ें और अकेला रहना मत कभी तो शायद निक्की माँ नहीं होती तो मैं टूट जाता वहीं पर टूट जाता और वहीं ख़त्म हो जाता और शायद वहीं से मेरा गेम और ख़राब हो जाता और मैं नहीं खेल पाता आगे और सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है एक ऐसा हाथ चाहिए कि आप कभी भी डूब रहे हो किधर या टक रहे हो तो वो हाथ ऐसा चाहिए जहाज़ से एक ही हाथ चाहिए होता है ज़िंदगी में जो बहुत पावर देता है आपको आगे बढ़ने के लिए और वो एक हाथ मेरे लिए ये था निक्की का तो निक्की ने जब वो हाथ भी दिया मेरे को और उसके बाद से शायद आप लोगों ने देखा होगा कि हम और ज़्यादा क्लोज हो गए थे और हमने बहुत इन्जॉय भी किया है शो को और बहुत कुछ दिया जैसे लोग मेरे मुझे बाहर निकलने के बाद बोले थे एक घंटे के एपिसोड में चालीस पैंतालीस मिनट तो निक्क् और अरबाज़ ही दिखते थे तो वो चीज़ें अच्छी लगी देखने के लिए और जिसको मराठी नहीं समझती थी वो भी हम लोगों के लिए देख रहा था hmm. जाके That और बोल रहा था अकेले तो हम खड़े ही थे बट साथ में स्ट्रॉगेस्ट yes, और जब जब हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भी गए एज अ टीम हम लोगों ने टीम के लिए खेला तो हम लोगों ने लड़ा भी है वहां पे और बहुत गंदी लेवल पे लड़ा है हमने अगेंस्ट अगेंस्ट खेले हम दोनों एक दूसरे के तब भी तो स्ट्रॉन्ग तो थे हम एक दूसरे के साथ तो मुझे नहीं पसंद आता था कि मैं इसके अगेंस्ट जाके ना खेलूँ और ना इसको भी पसंद आता था कि मैं इसके अगेंस्ट जाके खेल खेल रहा हूँ कुछ चीज़ें तो बस मॉम डैड का यही था कि अच्छा हुआ कि जो भी चीज़ें तू करके आ तेरे को खुशी है होती है उस चीज़ से तू खुश है तो फिर हमको भी कोई दिक्कत नहीं है और अभी तू लाइक कर भी रहा है अपने तरीके से काम तो ऐसे ही कर बट तकलीफ़ मत दे खुद को क्योंकि अंदर आपने देखा होगा मेरा ब्लड प्रेशर वन एटी चलता था तो बस तकलीफ नहीं हो ऐसी चीजें करो और खुश रहो कमाओ अच्छा नाम करो और काम करो yeah, बस वही चीज है हैव यू ऑल मेट ईच अदरस पेरेंट्स ही डेफिनेटली डिड बट अभी मैं नहीं मिली क्योंकि वो औरंगाबाद में है संभाजी नगर में है तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि एक सपोर्ट लाइफ में ज़रूरी होता है और आपको वो निकी से मिला एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू स्टे इनसाइड दैट हाउस तो उस उस वक्त में आपको ये एहसास हुआ कि ये सपोर्ट मुझे लाइफ टाइम चाहिए इसी तरह का सपोर्ट <coughs> हाँ देखो जब आप घर में रहते हो ना वो भी एक दुनिया है ठीक है वहां पे आप बाहर का सब भूल जाते हो मैं तो बोलता हूँ कि आप खाने का टेस्ट भी भूल जाते हो कि आपको क्या आपने बाहर खाया है आप गाने भूल जाते हो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो और वो भी एक दुनिया है जैसे कि हम पैदा होते हैं नए नए और फिर मर जाते हैं तो वो भी वहाँ पे भी एक चांस मिलता है जैसे आप गए और आप बाहर चले गए तो चले ही गए आपका खत्म ही हो जाता है सारी चीजें तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई है हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है और वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि अभी हमको बीबी करेंसी वाला भी सीन था पैसे कमाना था और वही खर्चा करना था उसी में ही आपको घर चलाना था तो वैसे ही दुनिया भी चलती है बाहर की कि आपको पैसा कमाना है और घर चलाना है और शायद ही बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा अगर पैसा होगा तो हमारे ही पास था <laughs> जितना हमने अंदर कमाया था तो बाहर की दुनिया में भी हम वही कोशिश करेंगे कि हम दोनों साथ में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और नाम भी कमाए और आप लोगों को भी जितने लोग देख रहे हैं उनको भी खुश रखे और चीजें चलती रही आगे ऐसे ही आप लोगों के बीच में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है बट ट्रोल्स जैसे आपने अभी मैंशन किया था hmm. हर पोस्ट के नीचे काफी नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं hmm. आप रीड करते हो उनको हाउ डज इट अफेक्ट यू बोथ देर आर फ्यू फैंस हु लव एस टूगेदर हु आर सपोर्टिंग अस डे वन से जब से हमारी आंखें hmm. मिली थी देर आर फ्यू फैंस दे आर अगेंस्ट यू नो बोथ ऑफ स्पेशली अरबाज मुझे कुछ फैंस जो मेरे खुद खुद के फैंस mm -hmm. थे वो भी मुझे कह रहे हैं दैट वी आर लिविंग यू बिकॉज यू स्टैंड एज अ स्ट्रोंगेस्ट पर्सनैलिटी वेन यू आर इंडिविजुअल बट डू यू नो वॉट अरबाज हैज़ डन ये वो तो मैं कहती हूँ यार लोग तुम्हें जज करेंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट बट क्या तुम्हें पता है क्या इसका पास्ट क्या है यू डोट नो ये ये जो ये सिर्फ रूमर्स है जो फैला रहे हैं लोग या जो भी है वो बस फैला रहे हैं डू यू नो कि दो इंडिविजुअल जो भी इसका है या मेरा है, मेरा दो इंडिविजुअल के बीच में क्या हुआ है डू यू नो नो एक कोई आता है ब्रेकअप के बाद आके बोलता है कि ये 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 मेरे साथ हुआ है हुँ. उसका लोग विश्वास करते कुछ लोग विश्वास नहीं करते बट दूसरा साइड सुना है क्या आपने नहीं सुना नहीं आई थिंक सो ही डजेंट केयर टू शो वॉट हैड हैपन टू हिम एंड ऑल ऑफ़ दैट यू नैन गेन सिम्पति क्योंकि आई फील की ऊपर वाला देख रहा है जिसने बुरा किया है hmm. उसको सज़ा मिलेगी सो so, ये फालतू का रूमर्स और यू you नो know, ट्विटर पे ट्वीट करो लोगों का झगड़ा सॉल्व करो इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करते वी हैव इनफ वी हैव वेरी लेस टाइम यार दिन में 24 घंटे होते हैं उसमें भी हमको और टाइम चाहिए होता है खुद के लिए सो वी आई पर्सनली वी रीड कमेंट्स एंड वी लाफ हम खुद ही कमेंट्स पढ़ते हैं कि किसने किसको क्या बोला एंड वी लाफ यू नो वी डोंट गेट अपसेट हम मेरे को जितना याद है आज सुबह भी यहाँ आन आने से पहले हम लोग ऐसे कुछ टाइम पास देख रहे थे और हम लोग हंसते हैं हाँ। हम लोग उन लोगों पे हंसते हैं ऑनेस्टली आई विल नॉट लाई आल्सो हमें वी फील बैड वी फील सैड दैट लोगों के पास इतना वेला टाइम है वेले बैठे हैं यू नो कि यार कमेंट और कमेंट ऐसे करते हैं uh, कि वी डोंट लाइक यू वी आर अन फॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ़ अरबाज अरे तो करो ना इतना टाइम क्यों है कि तुम आके कमेंट कर रहे हो करो और फ्री हो जाओ ना लाइक वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हमारे पे अगर हमको पसंद नहीं और कुछ भी मतलब कुछ भी लिखना है लाइक यू नो प्लीज़ डोंट शो अस योर कॉन्टेंट तो फिर अगर देखना नहीं है तो फिर रील को आगे बढ़ाओ ना क्यों यू नो लाइक अपनी ओरिजिनल से आते और पे वजूद क्या है वाई डूवन एग्जिस्ट आई फील बट वी लाव मुझे एक भी मोमेंट याद नहीं है जहाँ पे हम दोनों अपसेट हुए की ऐसे क्यों बोल रहे हैं नहीं ही इज लाइक इग्नोर आई एम लाइक इग्नोर ना छोड़ ना लोग बात करेंगे मेरा तो यही फंडा है लोगों का काम है

तो हम देख के मतलब ही नहीं है मैं yeah. देखता नहीं और अगर कोई अच्छी कमेंट्स होती है तो हम उनको रिप्लाई भी कर देते जाके और कुछ अच्छी चीज़ें हमारे बारे में लोग डालते तो हम स्टोरी पे भी हम ऐड कर देते बाकी जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ों पे मैं तो ध्यान ही नहीं देता मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ कमेंट्स और क्योंकि इतना टाइम नहीं है yeah. मैंने एक दूसरा भी शो करके आता तो था तो उसमें भी वो शो के बाद भी लोग लाइव पे जाके झगड़ा करते थे मैंने मैं कभी लाइव पे आपको दिखूंगा नहीं झगड़ा करते हुए मैं अच्छी चीजें ही करता हूँ और निक्की के मिलने के बाद तो निक्की ने बोला कि भाई पॉजिटिविटीज रखा करो करो ज़िंदगी में और पॉजिटिव रहा ना कुछ गलत देखे बात देखे करना, है। करना है। आपने देखा होगा मैंने, मैंने बहुत कुछ जो बोला जो कर रहे हैं लोग पता नहीं क्या क्या आके बोल रहे विच अननेसेसरी इतना टाइम कहा थे वो वे वो दे सडनली

नेगेटिविटी चाहिए भी इन दोनों के बीच में हम लोग पॉजिटिव ही रह रहे हैं और पॉजिटिविटी ही आगे बढ़ और हम किसी लाइक वी वी ही आल्सो प्रेज एवरीवन यू नो इसके पास्ट में जो भी है लाइक यू नो गुड थिंग्स विल हैपन टू देम यू नो दे आर हैप्पी और व्हाटएवर यू वी नेवर स्प्रेड नेगेटिविटी फिर वो हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स हो या जो भी हो पास्ट में फ्रेंड्स हो या अभी वी ऑलवेज प्रेज एंड अपलिफ्ट ईच एंड एवरीवन एंड दैट्स व्हाट आई थिंक सो आई वी बोथ लाइक ईच अदर्स क्वालिटी यही करना चाहिए आप लोग आगे बढ़ो और क्योंकि पता नहीं ना कल का और आज का ना अभी का की आपके साथ अभी क्या होगा और एक घंटे बाद क्या होगा तो कुछ पता नहीं है जिंदगी का तो जो मोमेंट्स में आप बैठे हो या आपके साथ में बैठा हो निकी के साथ बैठा हो तो आप एक दूसरे को टाइम दो आप एक दूसरे के साथ कितना अच्छा बॉन्ड बना रहे हो आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है और ये कैसे फील कर रहे हो और कैसा जी रहे हो आप yeah. आगे का सोच के भी मतलब नहीं और पीछे का सोच के भी कुछ फायदा नहीं है बिल्कुल हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जैसे यू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक यू स्लिप इन टू डिप्रेशन वी नो दैट यू हैव बीन वोकल हैोकलो अबाउट इट बट हाउ डू यू गाइज डील विद इट क्योंकि काम भी करना होता है पर्सनल लाइफ भी होती है तो हार्ट ब्रेक से कैसे आप लोग डील करते हो इंडिविजुअली आपका फॉर्मूला क्या है टू डील विद इट सी हार्ट ब्रेक एज सच हुआ नहीं है अबाउट द इफ़ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स आई हैड नो आइडिया व्हाट इज हार्ट ब्रेक बट आई विल डेफिनेटली से कि जिस दिन ये घर से बाहर गए थे और जो मम्मी ने आके मुझे बताया था आई वुडेंट से इट वॉज अ हार्ट ब्रेक बट इट वॉज़ वेरी पेनफुल हार्ड ब्रेक मतलब हाँ वो कह सकते नो आई थिंक सो वी वर नॉट वी वर नॉट कमिटेड तो वो हार्ड ब्रेक बोल नहीं सकते यू नो द बॉन्ड वॉज फार मोर देन जस्ट अ फ्रेंडशिप नॉर्मल फ्रेंडशिप और नॉर्मल प्यार यू नो इट वॉज फार मोर देन दैट हार्ड ब्रेक हार्ड ब्रेक एज सच मैंने कभी ये किया नहीं है एक्सपीरियंस किया नहीं है बट इट वॉज वेरी पेनफुल जिस दिन ये घर के बाहर गए एंड वो मम्मी का मुझे पता चला बट देन आई स्टिल से आई एम वेरी मच स्ट्रॉग इनफ एज एन इंडिपेंडेंट वमेन दैट आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ बैक स्ट्रोंगर फ्रॉम एनी वर्स्ट सिचुएशन लाइक माई ब्रदर पास अवे एंड नेक्स्ट डे आई वेंट टू केप टाउन फॉर रियालिटी शो नोट आई कैन डू दैट आई कैन डू एनी थिंग एंड दैट्स वॉट I would uh, suggest and you know all my admirers and whoever is my fan that just believe in yourself and ये सब mind का खेल है। If you are strong here, you are stronger from within। yeah. yeah. आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? Heartbreak के इसमें तो मै मतलब मैं मैं भी कभी ऐसे चीज़ें लाइक फ़ील नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कभी आप दिल से काम कर रहे हो कभी दिमाग से कर रहे हो जब आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि आप मिरर के सामने खड़े हो के अपना फ्यूचर देखो कि आप आगे क्या करना चाहते हो या आपने जो भी अच्छे काम किए अपनी ज़िंदगी में आजकल जैसे वीडियो का ज़माना है व्लॉगिंग का है तो आपने वो सब चीज़ें कैप्चर करके रखी है तो आप वो सब चीज़ें देखो कि आपने क्या हासिल किया है और क्या अचीव किया है तो वो आपको हार्ट ब्रेक से रोकती है चीज़ें कि भाई मैं तो ये हूँ और मैं क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहा हूँ या मैं क्यों क्यों अपने आप को ब्रोक कर रहा हूँ इस चीज़ों में मुझे तो आगे बढ़ना है और ज़िंदगी कब का भरोसा नहीं है कब कहाँ चले जाए हम लोग और कब ऊपर चले जाए तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती है देखो हार्ट ब्रेक के टाइम पर बट जब आप पार्टनर आपका अच्छा हो या आप किसी के साथ रह रहे हो और आपको टच करने पे भी एक पॉजिटिविटी फील होती है तो शायद कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा नहीं है ना या बट आई ऑल्सो वॉन्ट न शेयर दैट जिस टाइम पर मेरी मम्मी आई थी घर hmm. के अंदर एंड शी टोल्ड मी अबाउट हिम वो मेरे लिए जितना पेनफुल था लाइक इट वॉज आई विल एक्सेप्ट दिस कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ हार्ट ब्रेक एंड इवन वेन ही सॉ द टेलीकास्ट और वो हम कल ही बात कर रहे थे रात को दैट ही वॉज लाइक शेट ए मै न लूज ह ना एंड देन ही एंडेड एवरी थिंग एंड ही केम बैक टू मी इमेजिन सो इट वॉज ऑब्वियसली नथिंग लेस देन अ हार्ट ब्रेक You oh. guys <laughs> are so much in love with each other. Thank you so much for talking to us. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. And I really hope आप लोग हमेशा साथ रहो and do good work together. Thank you so much. How sweet. Thank you. <laughs> Hi, this is Nikki Tamboli. Hi, this is Harbaj Patel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो like, share and subscribe to Pink Villa.